सुप्रभात, मैं सीमा सिंह, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे लेसन 5 ई। ई की मात्रा, जिसको हर्ष ई भी बोलते हैं। तो ये वाला ई है, इसको हम जब कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसमें ये वाले ई को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे हर्ष ई की मात्रा, जिसको छोटी ई भी बोलते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं, क प्लस ई, ये जो ई है इसको इस तरह से लिखेंगे हर्ष ई की मात्रा। तो क प्लस ई इक्वल टू हर्ष ई की मात्रा प्लस क इक्वल टू क्या बन गया ये, की, ठीक है। देखिए ये क, क क में क्या कौन सा मात्रा लगाए हैं, ई की मात्रा, छोटी ई या हर्ष ई, इसको हर्ष ई भी बोलते हैं या छोटी ई की मात्रा बोलते हैं। तो क में कौन सी मात्रा लगाए हैं, ई की मात्रा। तो ये वाला ई की मात्रा को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये वाला ई यहाँ पे लगाए। तो देखिए ये हो गया की। तो आज हम सीखेंगे ई की मात्रा। तो देखो यहाँ लिखा है देखे समझे और पढ़े। तो हमको देखना है सबसे पहले ये किस चीज का चित्र है, तो ये किला है। तो किला में को लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। तो ई की मात्रा प्लस क प्लस ला इक्वल टू क्या हुआ, किला। ये कौन सा मात्रा है, ई की मात्रा है। यहाँ पर किला में क में ई की मात्रा लगाए, ठीक है, फिर ये हुआ किला। अब देखो दूसरा है, ये कौन सी किसका चित्र है, तो ये है हिरण का चित्र। तो यहाँ पे हिरण, इसको लिखेंगे कैसे, ई की मात्रा प्लस ह प्लस र प्लस न, तो क्या बना ये, हिरण। हिरण देखो इसमें जो रेड वाला है वो ई की मात्रा है, तो ही र न हिरण। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, जोड़कर पढ़े, जोड़कर पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना मात्रा कैसे बनाए हैं, कैसे बना के इसको शब्द बनाया गया है। अब इसको हम पढ़ेंगे, तो दी और न, दीन, द है लेकिन इसके पहले क्या है, ई की मात्रा है, तो दीन दी हो गया और न दीन। फिर देखिए यहाँ पे जितना भी रेड वाला है वो सब क्या है, ई की मात्रा है। तो हम पढ़ेंगे अब गी और न, गीन, क वी कवि, क और वी कवि, र और वी रवि, यहाँ पे कौन सा मात्रा लगा है, ई की मात्रा लगा है। फिर देखो दी और ल, दिल, ती और ल, तिल, तिल का चिक्की खाते हो ना वो तिल, तो ये है ती और ल, तिल। फिर देखिए पी और न, पी, ही सा ब हिसाब, की ता ब किताब, गी र गी ट गिरगिट, री म झी म रिम झिम, र वी वा र रविवार। फिर देखो पढ़कर सुनाए, अभी आपको पढ़कर सुनाना है। तो नी कल निकल, ग या गया, दी न दीन, चिड़िया चिड़िया आई, निकल गया दीन चिड़िया आई। आप यहाँ देखो एक चित्र है, यहाँ पर एक लड़की है वो किताब पढ़ रही है और ऊपर में कौन है ये चिड़िया, वो चिड़िया से बातें भी कर रही है और ये पेड़ पे कौन बैठा है, चिड़िया बैठी है। तो देखिए ये क्या बोलती है वो यहाँ बताया गया है। तो ये है निकल गया दिन चिड़िया आई, जब भी सुबह हो जाता है तो कौन निकल कौन उड़ने लगता है, चिड़िया। तो यही बोल रहा है निकल गया दिन चिड़िया आई, चिड़िया
आई तिनका लाई, तिनका घास को भी तिनका बोलते हैं, तो चिड़ियाँ आई तिनका लाई। फिर सविता, सविता बिटिया, बिटिया दाना, दाना ला, सविता बिटिया दाना ला, इसका नाम क्या है सविता, तो उसकी मम्मी बोल रही है कि सविता बिटिया दाना ला, दाना कौन खाएगा चिड़िया। फिर चिड़िया, चिड़िया दाना खा, ये बोल रही है चिड़िया, चिड़िया दाना खा, चिड़िया चिड़िया कल फिर आना, ये बोल रही है कि चिड़िया से बातें कर रही है, बोल रही है कि चिड़िया तू कल फिर से आ जाना। फिर चिड़िया दाना खा कर जाना, और तुम आके क्या करना दाना खा कर जाना। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। निकल गया दिन चिड़िया आई, चिड़िया आई तिनका लाई, सविता बिटिया दाना ला, चिड़िया चिड़िया दाना खा, चिड़िया चिड़िया कल फिर आना, चिड़िया दाना खा कर जाना। ये सब कुछ कौन बोल रहा है, ये बोल रही है, इसका नाम क्या है सविता, ये बोल रही है चिड़िया को, ठीक है। तो ये पोयम आपको, कविता आपको क्या करना है, लर्न करना है। और आप ये देखो जहाँ भी हम अंडरलाइन किए हैं ना, ये सब कुछ हम आपको फिल इन द ब्लैंक में दे सकते हैं, ठीक है। वर्कशीट मिलता है ना, उसमें फिल इन द ब्लैंक होता है, रिक्त स्थान भरो लिखा होता है, तो इस तरह से ये सब हम फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान बनाकर आपको क्वेश्चन देंगे, तो आपको करना है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर लिखा है अब लिखे, यहाँ पे डॉट छोड़ा है, इसको आपको लिखना है, क्या है सी सी ता और र, सितार, क्या लिखा है ये सितार, यहाँ पे ये कौन सी मात्रा है ई की मात्रा, हर से ई यानी छोटी ई। फिर यहाँ पे है किसान, ये भी आपको लिखना है, आपके टेक्स्ट बुक में लिख के कंप्लीट करना है, क्या लिखा है किसान। देखो ऐसे आपको भी ये डॉट को ज्वाइन करके आपको ये कंप्लीट करना है, तो क्या लिखा है सितार, किसान, डिबिया, यहाँ पर ई की मात्रा कहाँ कहाँ लगा है, तो यहाँ है ई की मात्रा, तो ये हुआ सी, फिर यहाँ पे लगा है ई की मात्रा, तो ये हुआ की, फिर यहाँ पे लगा है तो डी बी या, डिबिया यानी कि ये सब आपका कौन सा मात्रा है, तो हर्षय ई की मात्रा है, जिसको छोटी ई भी बोलते हैं, तो आपका एच डब्ल्यू है। आपको लेसन 5 लिखना है नोटबुक में, फिर ये मात्रा लिखना है, ये दोनों लिखना है, फिर जोड़ कर पढ़े, फिर ये पूरा लिखना है, फिर पढ़कर सुनाए, और ये फिर पूरा कविता आपको पोयम लिखना है आपके नोटबुक में 2 टाइम, ओके। और आपको ये कविता भी गाना है, ठीक है। तो आपका आज यहीं तक होता है, बाय।